बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। मिलकर हम दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री उसके तीसरे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम छठी आयत से आगे सीखेंगे और समझेंगे। पहले प्रार्थना कर लेते हैं। परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए, इस सौभाग्य के लिए। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपके वचन को हम पढ़ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और हमारे जीवन में लागू कर पा रहे हैं। इसके लिए पवित्र आत्मा, हम आप पर पूरी तरह से निर्भर हैं, आप हमारी सहायता करिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दूसरा थिस्सलुनीकियों तीसरा अध्याय उसकी 6 आयत से आगे। हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि तुम हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता और जो शिक्षा उसने हमसे पाई है उसके अनुसार नहीं करता है। हे भाइयों, अन्य शब्दों में हे प्रियो, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं। दो बातें वहां पर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं। प्रेरित के काम 3 अध्याय उसकी 6 आयत में इस प्रकार लिखा है, तब पत्रस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। न केवल यीशु के नाम से चमत्कार होते हैं, लेकिन यहां पर पौलुस और उसके साथ ही 2 बड़े शब्दों का प्रयोग करते हुए थेसलोनिके के विश्वासियों को लिख रहे हैं। यीशु के नाम से पहला आज्ञा देते हैं, सुझाव नहीं है, हो सके तो कर लेना ऐसा भी नहीं है, आदेश देते हैं, आज्ञा देते हैं। क्या? कि तुम हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता और जो शिक्षा उसने हमसे पाई है उसके अनुसार नहीं करता है। अगर एक भाई को तुम पाओ, अगर एक जन को तुम पाओ जो अनुचित चाल चल रहा है, पहली बात, दूसरी बात, जो शिक्षा हमने दी है उसके अनुसार नहीं कर रहा, तब क्या करना है? ऐसे भाई से अलग रहो। एक मरी हुई मछली पूरे पानी को गंदा कर देती है, उसी प्रकार पौलुस कह रहा है थिस्सलुनीके के विश्वासियों को कि जो व्यक्ति तुम्हारी मंडली में, तुम्हारे मध्य में अनुचित चाल चलता है उसकी संगति से अपने आप को अलग कर लो, और इतना ही नहीं, जो शिक्षाएं हमने दी हैं उसके विपरीत जा रहा है या उसको नहीं मान रहा उससे भी अलग हो जाओ। अब पूरी रीति से अलग होने के लिए पौलुस आगे मना करेगा क्योंकि उसको फिर से लौट आने का, मन फिराव का अवसर हमें देना है, परंतु यहाँ पर पौलुस कह रहा है अपने आप को अलग करो। रोमियों की पत्री 16 अध्याय के अंदर भी यही बात हमको देखने को मिलती है। रोमी 16:17 में देखिए क्या लिखा है, अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो, उनसे दूर रहो। 1 कुरिन्थी 5:9 में भी पौलुस कुरिन्थ के मंडली के विश्वासियों को यही बात कहेगा। 1 कुरिन्थी 5:9 से आगे, मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति न करना, व्यभिचारियों की संगति न करना, उनसे अपने आप को अलग कर लेना। 7 आयत, क्योंकि तुम जानते हो कि किस रीति से हमारी सी चाल चलनी चाहिए। पौलुस बता रहा है कि हमने केवल तुम्हें शिक्षा नहीं दी, पर हमारे जीवन के द्वारा, हमारे आचरण के द्वारा, हमारे उठने बैठने के द्वारा हमने तुमको सिखाया कि कैसे जीना चाहिए, क्योंकि तुम आप जानते हो। ये प्रयोग आप जानते हो पहले थिस्सलुनीकियों की पत्री के अंदर कई बार आया, तुम आप जानते हो, तुम्हें मालूम है, तुम्हें ज्ञात है। ये सारी बातें पौलुस इसलिए कह रहा है क्योंकि उसने उन्हें पहले सिखाया है और उसे भी मालूम है और थिस्सलुनीके के विश्वासियों को भी मालूम है कि पौलुस ने इस बात को सिखाया है। उसी बात को लेते हुए पौलुस यहां भी कह रहा है, क्योंकि तुम आप जानते हो क्या कि किस रीति से हमारी सी चाल चलनी चाहिए। पौलुस गर्व के साथ, हियाव के साथ, घमंड के साथ नहीं, परंतु ठोस विश्वास के साथ कह सकता है कि हमारी सी चाल तुम्हें
चलनी चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल न चले, पैसों को लेकर, जीवन को लेकर, मेहनत को लेकर, शिक्षा को लेकर। पौलुस कह रहा है सारे आयामों में हमारी सेवकाई उचित थी, अच्छी थी, और हमने तुम्हें सिखाया कि हमारी सी चाल चलो, क्योंकि हम तुम्हारे मध्य में अनुचित चाल नहीं चले। 8, और पौलुस अब अपनी गवाही देते हुए कह रहा है, और किसी की रोटी मुफ्त में हमने नहीं खाई, और किसी की रोटी मुफ्त में न खाई, पर परिश्रम और कष्ट से रात दिन काम धंधा करते थे कि तुम में से किसी पर भार न हो। अब थिसलोनी की मंडली के अंदर एक समस्या आ गई थी और उसकी जानकारी पौलुस को मिली है। समस्या ये थी कि लोग कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह आ रहा है, बहुत जल्दी आ रहा है, आप ही सिखा रहे हो प्रभु यीशु मसीह आ रहा है, तो अब काम करने से क्या फ़ायदा, हम तो बैठेंगे स्वर्ग की ओर देखते रहेंगे, ताकते रहेंगे, क्योंकि यीशु मसीह आ रहा है, अब क्यों नया काम करना, क्यों नई नौकरी के लिए मेहनत करना, क्यों परिश्रम करना, बस यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है। पर इसके विपरीत पौलुस कहता है हमने किसी की रोटी मुफ्त नहीं खाई, पर परिश्रम और कष्ट से, दो शब्द, परिश्रम और कष्ट से दुख उठाया हमने, हम शांत नहीं रहे, हम भूखे नहीं रहे, हम घर घर घूमते नहीं रहे, हमने मेहनत की है, और ये मेहनत कई प्रकार से हो सकती है, सेवा की मेहनत हो सकती है, या फिर तंबू बनाने की मेहनत हो सकती है, वे अपने हाथों से मेहनत करने वाले लोग थे। पौलुस कहता है हमने परिश्रम किया और कष्ट से, दिन भर नहीं रात दिन, कष्ट से रात दिन क्या किया, काम धंधा करते थे कि तुम में से किसी पर भार हम न डालें। उस समय पर थिसलुनीके के विश्वासी लोग जानते थे कि अलग अलग मत के लोग घूम घूम कर प्रचार करते थे, और जब वे घूम घूम कर प्रचार करते थे तो वे चंदा लेते थे और लोगों से कहते थे इतना हमें दो तभी हम जाएंगे यहाँ से। आज भी ऐसे लोग आपको बाजार में मिलेंगे, ये दुख की बात है। खैर, यहाँ पर पौलुस कह रहा है हमने मुफ्त में रोटी नहीं खाई, हमने परिश्रम किया, हम कष्ट के साथ हम मेहनत करते रहे ताकि तुम पर हम भार न डालें, तुम्हारे पर किसी भी रूप से आर्थिक रीति का दबाव हम न डालें। अब नबी आयत, यह नहीं कि हमें अधिकार नहीं, पर इसलिए कि अपने आप को तुम्हारे लिए आदर्श ठहराएं कि तुम हमारी सी चाल चलो। दूसरी बार पौलुस कह रहा है हमारी सी चाल चलो। पौलुस कह रहा है हमें अधिकार था क्योंकि हमने तुम्हें सुसमाचार सुनाया, हमने तुम्हें प्रभु के बारे में बताया, हमने तुम्हारे मध्य में मेहनत की, परिश्रम किया, कलीसिया की स्थापना की, तो उचित था कि हम तुमसे भेंट ले सकते थे, हम तुमसे दान इकट्ठा कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम तुम्हारे लिए आदर्श बनना चाहते थे, हम चाहते थे कि तुम हमें देखो कि हम मेहनत करते हैं और फिर रोटी खाते हैं, मेहनत करते हैं और फिर प्रभु की सेवा करते हैं। एक बार और नवी आयत, यह नहीं कि हमें अधिकार नहीं, पर इसलिए कि अपने आप को तुम्हारे लिए आदर्श हम ठहराएं, आगे कि तुम हमारे सी चाल चलो। पौलुस का हियाव देखिए, वो धड़ल्ले से कह रहा है हमारी सी चाल चलो, क्योंकि मैं मसीह की चाल चल रहा हूं। 10वीं आयत, क्योंकि जब हम तुम्हारे यहां थे तब भी ये आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना न चाहे तो खाने भी न पाए। बहुत जोरदार बात पौलुस कह रहा है, हम जब तुम्हारे साथ थे तब भी हमने सिखाया था जो काम नहीं करेगा वो रोटी नहीं खाएगा, अर्थात जो मेहनत नहीं करेगा, जो परिश्रम नहीं करेगा, उसको भोजन भी नहीं मिलना चाहिए। अब एक सवाल उठता है, ऐसा क्यों पौलुस को लिखना पड़ा? कई संभावनाएं हैं। कलीसिया के अंदर ऐसे लोग होंगे जो कलीसिया के दान और दशमांश पर निर्भर हो गए होंगे, क्योंकि कलीसिया उनको मुफ्त में भोजन खिलाती होगी, उनके सेवा सत्कार करती होगी, और लोग कहते होंगे बस वहाँ मिल रहा है ना, और क्या करना है। दूसरी संभावना, जैसे मैंने पहले कहा, लोग कह रहे थे यीशु मसीह आ रहा है तो काम करने की क्या ज़रूरत है, और काम नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं, हम चर्च चले जाएंगे, वहाँ पर हमको भोजन मिल जाएगा, एक टाइम की रोटी मिल जाए तो भी बहुत है। और भी अन्य संभावनाएं रही होंगी जिसके कारण पौलुस को इस रीति से उस कलीसिया को लिखना पड़ा, क्योंकि जब हम तुम्हारे यहाँ थे तब भी आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना न चाहे तो खाने भी न पाए। 11, हम सुनते हैं कि कुछ लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं। अब इस सत्र के अंदर ये तीसरी बार आ रहा है अनुचित चाल चलना। पहली बार पौलुस ने कहा जो अनुचित चाल चलते हैं उनसे अपने आप को दूर कर लो,
उसके बाद पौलुस ने अपने आप की गवाही देते हुए कहा, हम तुम्हारे मध्य में अनुचित चाल नहीं चले। अब यहाँ पर वो कह रहा है हम सुनते हैं, खबर आई होगी पौलुस के पास। पौलुस और उसका दल कोरिंथ शहर के अंदर है और व्यापारी लोग शायद जो विश्वासी हो गए थे थेसलोनिका से कोरिंथ आए होंगे और उन्होंने खबर पहुँचाई होगी, ऐसा अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि हम सुनते हैं कि कुछ लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं। ये अनुचित चाल क्या है? स्वभाव को लेकर होगा, आलस्य को लेकर होगा, आत्मिकता को लेकर होगा, और जो हमने सिखाया उसके विपरीत या उससे हटकर वे जीवन बिताते हैं। हम सुनते हैं कि कुछ लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं और कुछ काम नहीं करते। अब एक और वैरायटी आपको मिलेगी, कुछ काम नहीं करते पर दूसरों के काम में हाथ डाला करते हैं। ऐसे लोग आज भी आपको मिलेंगे, खुद कुछ नहीं कर रहे लेकिन करने वालों के काम में हाथ डालते हैं और काम बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। आज तो और भी लोग आपको मिलेंगे जो कुछ करना नहीं चाहते, बस आपको ओपिनियन देना चाहते हैं, आपको सुझाव देते रहेंगे, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। फिर आपके मन में आता है फिर आप क्यों नहीं कर रहे? हाँ, हम नहीं करेंगे, बस आपको बोलते रहेंगे। पौलुस कह रहा है कुछ काम नहीं करते पर दूसरों के काम में हाथ डाला करते हैं। पौलुस चेतावनी दे रहा है, उनको समझा रहा है और उनको चिता रहा है ऐसे लोगों के प्रति। 12, ऐसों को हम, अब फिर से देखिए, ऐसों को हम प्रभु यीशु मसीह में आज्ञा देते और समझाते हैं। पहले उसने कहा था प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं, अब यहाँ पौलुस 12 में कह रहा है ऐसों को, किनको? जो काम नहीं करते और दूसरों के काम में हाथ डालते हैं। ऐसों को हम प्रभु यीशु मसीह में आज्ञा देते और समझाते हैं, क्या? कि चुपचाप काम करके अपनी ही रोटी खाया करें। तो अलग अलग वर्ग आपको दिख रहे, एक काम करने वाला वर्ग है, एक काम नहीं करने वाला वर्ग है, और एक काम कभी कभी करता है पर बहुत बात करता है और दूसरों के काम में हाथ डालता है, ऐसा भी वर्ग है। इस वर्ग को संबोधित करते हुए पौलुस लिख रहा है मैं प्रभु यीशु मसीह में तुम्हें आज्ञा देता हूं और समझाता हूं, क्या? कि चुपचाप काम करके अपनी ही रोटी खाया करें। जो काम है उसे अच्छी रीति से करें और ऐसा करें कि उसके द्वारा प्रभु की महिमा हो। 13, तुम हे भाइयों भलाई करने में साहस न छोड़ो। एकदम पौलुस शैली बदलते हुए कह रहा है तुम भाइयों भलाई करने में साहस न छोड़ो। इसमें एक बात हम समझ सकते हैं, कुछ लोग योग्य होकर भी मेहनत कर सकते थे फिर भी वो मुफ्त में रोटी खाना चाहते थे। पौलुस ऐसे लोगों को डांटता है और कलीसिया को उनके प्रति आगाह कराता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो सच में मोहताज हैं, सच में वे लोग अपने हाथों से काम नहीं कर सकते, उनको मदद की जरूरत है। ऐसे लोगों को याद करते हुए पौलुस कह रहा है हे भाइयों भलाई करने में साहस न छोड़ो। ऐसा ना हो कि सबको मना कर दो और जो सच में जरूरतमंद हैं उनकी भी रोटी बंद हो जाए। ध्यान देना होगा, हमें भी ध्यान देना होगा, सब खराब हैं, सब ऐसे ही हैं, ऐसे बोलकर लोगों को दूर मत करिए। शायद उस भीड़ के अंदर से कुछ होंगे जिनको आपकी मदद की जरूरत है, जिनको आपके आपके भोजन की जरूरत है, जिनको आपके ध्यान की जरूरत है। पौलुस थेसलोनिके के विश्वासियों से और हमसे कह रहा है तुम हे भाइयों भलाई करने में साहस न छोड़ो। 14, यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को न माने, अब एक बार और पौलुस उठाकर कहेगा यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को न माने तो उस पर दृष्टि रखो, ध्यान रखो ऐसे लोगों का, और उसकी संगति न करो जिससे वह लज्जित हो जाए। एकदम दूर मत करो पर उस पर ध्यान रखो, ऐसे लोग जो हमारी पत्री पर नहीं चल रहे उन पर ध्यान रखो, दृष्टि रखो और उनकी संगति न करो, उनके साथ संगति मत करो, उनके साथ मत उठो बैठो जिससे वह लज्जित हो जाए। अर्थात वे पूछने लगे ऐसा क्यों, और वे मेरे साथ क्यों नहीं आ रहे, मेरे साथ क्यों नहीं बैठ रहे। जब वो सवाल पूछेंगे तो तुम्हें जवाब देने का मौका मिलेगा, ये बात आगे आ रही। तो भी उसे बैरी मत समझो पर भाई जानकर चिताओ। थोड़े समय के लिए जब तुम दूर हो जाओगे तो वे पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्यों तुम दूर हो गए, और तब तुम उन्हें समझा सकते हो वे तुम्हारे बैरी नहीं हैं, वे तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। अपने आप को दूर करो ताकि उनको तुम जीत सको। तो भी उसे बैरी मत समझो पर भाई जानकर चिताओ, भाई जानकर चिताओ। बुराई में फंसा हुआ है तब भी वो आपका भाई है और आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको खींचकर बाहर लेकर आए। 16,
अब प्रभु जो शांति का सोता है आप ही तुम्हें सदा और हर प्रकार से शांति दे। अंतिम भाग के अंदर आ गया पौलुस लिखते लिखते, अब प्रभु जो शांति का सोता है। पहले पत्री के अंदर पौलुस ने देखते हैं कैसे पत्री का समापन किया था। पहले थिस्सलुनीकियों उसके 5वें अध्याय उसकी 23 आयत, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र कर। यहां लिखा है शांति का सोता कौन है? प्रभु है। वहां कहा शांति का परमेश्वर, यहां प्रभु जो शांति का सोता है आप ही तुम्हें सदा और हर प्रकार से शांति दे। बहुत खूबसूरत, हमेशा तुम्हें शांति मिले, हर बात में तुम्हें शांति मिले, परिवार में, व्यवसाय में, स्वास्थ्य में, आत्मिकता में, सेवकाई में, कलीसिया में, बाहर बाजार में, जहां तुम हो सदा तुमको शांति मिले और हर प्रकार से शांति मिले। और फिर प्रभु तुम सबके साथ रहे। याद रखिए ये अभिवादन ही नहीं है, आशीष की घोषणा है, भविष्यवाणी के शब्द हैं, प्रभु तुम सबके साथ रहे। 17वीं आयत, मैं पौलुस अपने हाथ से नमस्कार लिखता हूं। ऐसा माना जाता है पौलुस बोल रहा था और पत्री के लिखने वाले दूसरे थे, वो बोलता था और लोग लिखते थे, लेकिन पत्री के अंत में आकर वो कलम अपने हाथ में लेता और अपने हाथ से लिखता और कहता मैं पौलुस अपने हाथ से नमस्कार लिखता हूँ। इसके कई फायदे थे। जब ये पत्री लोगों के पास पहुँचती तो उसके हस्ताक्षर हो या उसके उसके लिखने का तरीका हो, उससे लोग पहचान जाते कि ये पत्री सच में पौलुस ने लिखी है। और इतना ही नहीं, उसकी आधिकारिकता भी वहाँ पर प्रमाणित हो जाती थी। मैं पौलुस अपने हाथ से नमस्कार लिखता हूँ। ये बात पौलुस 1 कुरिन्थियों के अंदर भी कहता है, उतना ही नहीं गलातियों की पत्री के अंदर भी हो, कुलुसियों की पत्री के अंदर भी हो, और फिलिमोन को लिखी हुई पत्री में भी कहता है मेरे हाथ से मैं इसे लिख रहा हूँ। एक बार और, मैं पौलुस अपने हाथ से नमस्कार लिखता हूँ। फिर हर पत्री में मेरा यही चिन्ह है, हर पत्री में मेरा यही चिन्ह है, मैं इसी प्रकार से लिखता हूँ। पौलुस इसी बात को कह रहा है, ये पत्री सही है, मैं ही भेज रहा हूँ, मेरे हाथ से मैंने हस्ताक्षर किए हैं, अंत में एक लाइन मैंने मेरे हाथ से लिखा है और ये मेरी शैली है। 18, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम सब पर होता रहे। अनुग्रह से शुरू किया, अब अनुग्रह में ही वो समापन कर रहा है। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पैसों का अनुग्रह नहीं, वरदान का अनुग्रह नहीं, ताकत का अनुग्रह नहीं, बड़े बुजुर्गों का अनुग्रह नहीं, अनुभव का अनुग्रह नहीं, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम सब पर, चुनिंदा लोगों पर नहीं, वे जो दूर किए गए हैं उन पर भी, जो दूर हुए हैं उन पर भी, तुम सब पर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह होता रहे। एक बार नहीं, वर्तमान में ही नहीं, भविष्य में ही नहीं, निरंतर होता रहे। पौलुस इन दोनों पत्रियों को थिस्सलुनीके के विश्वासियों को भेजकर उनको मजबूत कर रहा है और उनको तैयार कर रहा है और उनको आने वाले दिनों में क्या करना चाहिए उसके बारे में बता रहा है। और जितनी उनकी शंकाएं थी, जितने उनके सवाल थे, उनका जवाब भी पौलुस इस पत्री के माध्यम से दे रहा है। मेरी ये प्रार्थना है कि इस पत्री के अध्ययन के द्वारा आप ये जान पाएं कि प्रभु यीशु मसीह बादलों पर बहुत जल्दी आ रहा है, लेकिन उसके इंतज़ार में हमको कड़ी मेहनत और परिश्रम करते हुए अपने समय को बिताना है, आलस्य में या अन्य बातों में नहीं, परंतु उसके आगमन की तैयारी में हमें अपने आप को रखना है। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दें।